सिंगरौली जिले में सीबीआई का छापा, दो अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का लगातार प्रयास कर रही है और रिश्वतखोर कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सामने आया है। यहां क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल के भू अर्जन अधिकारी व महाप्रबंधक को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सिंगरौली जिले के एनसीएल कोल ब्लॉक के गोरबी बी प्रोजेक्ट में भू अर्जन केस में मुआवजा राशि दिलाने के एवज में रिश्वत की शिकायत मिलने के बाद टीम ने धावा बोलकर रिश्वतखोर अधिकारी व महाप्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला? दरअसल एनसीएल के गोरबी बी प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक ऑफिस में शुक्रवार 6 अक्टूबर को उस समय दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब सीबीआई की टीम ने भू अर्जन अधिकारी चंद्रमोहन गुप्ता को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। सीबीआई की टीम ने 16 घंटे तक लगातार पूछताछ व दस्तावेज की जांच की। शनिवार की सुबह तक चली जांच के बाद टीम ने परियोजना के महाप्रबंधक सईद गोरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि 2 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिलाने के एवज में 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद शुक्रवार को एनसीएल के ब्लॉक बी परियोजना में पहुंची सीबीआई जबलपुर की 7 सदस्य टीम ने उस वक्त राजस्व शाखा में पदस्थ भू अर्जन शाखा के अधिकारी चंद्रमोहन गुप्ता को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं परियोजना के महाप्रबंधक को भी गिरफ्तार किया गया है। 13 लाख रुपए नगद और प्रॉपर्टी के पेपर बरामद किए गए। वहीं कार्यवाही के बाद दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक सीबीआई की टीम जीएम के आवास एवं भू अर्जन अधिकारी के आवास से लेकर कार्यालय तक जांच में जुट गई और कागज खंगालती रही। 16 घंटे तक चली इस लंबी कार्यवाही में परियोजना जीएम सईद गोरी के आवास से 13 लाख रुपए नगद एवं 2 जगह प्रॉपर्टी के पेपर बरामद किए गए। फिलहाल सीबीआई ने दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को जबलपुर सीबीआई कोर्ट में पेश करने के लिए रवाना हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।